हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट असल। आईपीएल अभी शुरू होने में काफी वक्त है, लेकिन इंजरियों का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसा कि हम सबको पता है, पंजाब किंग के स्टार ओपनिंग बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो, जो कि काफी समय से इंग्लैंड की टीम से भी बाहर है। बाहर क्यों है? क्योंकि उनको बहुत बड़ी इंजरी हुई थी। उनकी इंजरी की वजह से वो इंग्लैंड की टेस्ट टीम से भी बाहर है, इंग्लैंड की ओडीआई टीम से भी बाहर है। और अब जैसा कि हमको पता है, इंग्लैंड के वो T20 वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा नहीं थे। तो इसी पंजाब किंग्स का भी उनके लिए होपफुल थी कि शायद वो आईपीएल से पहले वो उनकी इंजरी ठीक हो जाए, वो रिकवर कर जाए। इसीलिए उन्होंने मयंक अग्रवाल, जो कि उनके लास्ट ईयर कैप्टन भी थे, ओपनिंग बल्लेबाज थे, उनको जाने दिया था। और उन्होंने इस बार प्लान किया था कि शिखर धवन के साथ एक विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो की जोड़ी बनाई जाएगी। शिखर धवन इस टाइम पंजाब किंग्स के नए कैप्टन है, लेकिन पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ का जो प्लान और स्ट्रेटेजी थी, वो इस टाइम पर एकदम फ्लॉप होते साबित दिख रही है। क्योंकि उसका रीजन ये है, क्योंकि उन्होंने मयंक अग्रवाल को जाने इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को लास्ट ईयर डाउन द ऑर्डर खिलाया था, और वो चाहते थे कि शिखर धवन के साथ एक विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज खेले, जो कि जॉनी बेयरस्टो थे उनकी टीम में। तो वो काफी होपफुल थे कि जॉनी बेयरस्टो रिकवर कर जाएंगे और आईपीएल खेलेंगे इस सीजन। लेकिन अभी जैसा कि रिपोर्ट्स की मान, आईपीएल के लिए रिकवर नहीं कर पा रहे। और इसके बीच में ना, पंजाब किंग्स, बीसीसीआई और ईसीबी, इन तीनों के बीच में झगड़ा सा भी हो रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग झगड़ा है। ईसीबी, पंजाब किंग्स और बीसीसीआई के बीच में जो एक्चुअली में जो हसल चल रही है इंजुरीज को लेके, क्योंकि इंजुरीज बहुत ज्यादा हो रही है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जॉनी बेयरस्टो की अवेलेबिलिटी को लेकर ईसीबी ने कोई सियोरिटी नहीं दी है पंजाब किंग्स को, और पंजाब किंग्स बीसीसीआई को बोल रहा है भाई कि अगर तुम हमें पता करके दो कि जॉनी बेयरस्टो आईपीएल के लिए आएंगे भी नहीं आएंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली वो आईपीएल में शामिल नहीं होने वाले हो, क्योंकि उनकी इंजुरी अभी तक ठीक नहीं, और ऐसे आने वाले आईपीएल के जस्ट बाद ऐसे से। तो मेरे को नहीं लगता कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इतना बेवकूफ है कि अपने एक स्टार विकेट कीपर बैट्समैन को आईपीएल में रस करे और वो एसेस से बाहर हो जाए, इंजुरी उनकी बढ़ जाए। तो आगे वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो वर्ल्ड कप एसेस वाला ईयर है, तो आई डोंट थिंक के ईसीबी उनको रस करेगा। बीसीसीआई से उन्होंने रिप्लेसमेंट मांगा, किसने रिप्लेस मांगा? पंजाब किंग्स ने बोला कि हमें मैट शॉट दो, जो कि इंग्लैंड के अच्छे बल्लेबाज हैं, बिग बैट्स में काफी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो ऑक्शन में शॉर्टलिस्टेड प्लेयर में नहीं थे। तो जो आईपीएल में आप रिप्लेसमेंट का एक नियम होता है कि जो आईपीएल ऑक्शन के लिए जो शॉर्टलिस्टेड प्लेयर है, आप उन्हीं में से रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं। तो फिर वहां पे पंजाब किंग्स और बीसीसीआई के बीच में टसल हो गई, क्योंकि पंजाब किंग्स ने जो भी रिप्लेसमेंट मांगा वो बीसीसीआई देने को तैयार नहीं है। बीसीसीआई से जब उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में पूछे बेयरस्टो की, तो ईसीबी बीसीसीआई को कुछ नहीं बता रहा, बीसीसीआई पंजाब किंग्स को कुछ नहीं बता रहा। तो काफी सारा कंसर्न, तो ये बहुत सारा बीच में मतलब एकदम मैच हो गया इन तीनों के बीच में, काफी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ओवरऑल जो पंजाब किंग्स के लिए क्या है कि वो इन सब चीजों को छोड़ के बिगर पर्सपेक्टिव देखें कि क्या जरूरी है उनके लिए। जरूरी है कि एक अच्छा ओपनिंग बैट्समैन मिल पाए, तो क्या उन्हें मिल पाएगा? ओबियसली भानु राजापक्षा थे, उनके कैंप में मौजूद हैं, जो कि लास्ट ईयर उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था। लेकिन वो एलेक्स हेल का एसी ने कि लास्ट ईयर केकेआर को छोड़ के चले गए थे, तो उनका भी कोई सियोरिटी भी नहीं है कि वो इस बार आएंगे कि नहीं आएंगे। उनका कोई इंग्लैंड क्रिकेट का हमेशा इशू रहता है कि वो ऑक्शन में तो आ जाते हैं, शोल्ड भी हो जाते हैं, लेकिन आते नहीं। लेकिन अभी जैसा कि अगर हम अपनी रिपोर्ट्स की माने, अगर के जहां तक अंदर की खबर निकल के आ रही है कि जेसन रॉय को अप्रोच किया है, किसने? पंजाब किंग्स ने जेसन रॉय को जॉनी बेयरस्टो की रिप्लेसमेंट के लिए अप्रोच किया। और ये एकदम कोई रिपोर्ट नहीं, एकदम अंदर मैनेजमेंट से निकली हुई अंदर की खबर है कि जेसन रॉय मोस्ट लाइकली रिप्लेस करने वाले हैं जॉनी बेयरस्टो को, इन दैट केस अगर जॉनी बेयरस्टो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली नहीं हो पाएंगे। तो इसमें आप बोल सकते हैं 100% सियोरिटी नहीं है, लेकिन इन दैट केस अगर जॉनी बेयरस्टो को ईसीबी ने परमिशन नहीं दिया आईपीएल में, क्योंकि वो पूरी तरह फिट नहीं है, तो उनके ही ओपनिंग पार्टनर जेसन रॉय जॉनी बेयरस्टो को आईपीएल में रिप्लेस करने वाले हैं। और इस तरह से पंजाब किंग्स का आपको न्यू ओपनिंग प्लेयर देखने को मिल सकता है। भानु राजापक्षा ओपनिंग में मेरे को नहीं दिखते, क्योंकि शिखर धवन भी लेफ्टी, भानु राजापक्षा भी लेफ्टी है। तो आई थिंक जेसन रॉय और शिखर धवन का एक न्यू ओपनिंग प्लेयर देखने को आपको मिल सकता है अगर जॉनी बेयरस्टो नहीं आते हैं। तो इस तरह से बाकी सारी टीम्स की भी अपडेट हम दे रहे हैं इंजरी की, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, क्या हो, बाकी सारा एनालिसिस एंड डिस्कशन किसी भी टीम पे हो सकता है, वो हम सारा करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरह से यही आज की पंजाब किंग्स की खबर थी कि पंजाब किंग्स में जॉनी बेयरस्टो को जेसन रॉय से रिप्लेस किया जा रहा है। और बाकी सारी टीम्स की खबर और अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू।